ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, ये देखो, ये ट्राई करके देखना लगता है कि नहीं, बार अंदर घुसो आराम से, बड़े पीछे का पूरा सीट निकल जाएगा, एक बार लेके चलो अंदर लेके चलो ना। चलिए ठीक है, ये वाला फिर कंफर्म करते हैं, डन करते हैं इसको लेके। अच्छा सुने थे आपका भी गाड़ी आईटीओ पकड़ा था भाई, क्या करेंगे रोड पे चलना है तो। एक बार चलाना भाई, ये चेक करो भाई, एक बार मेन चलाना। तो कैसा लग रहा है मेरे भाई न्यू लाइट, आप लोग कमेंट करके बताना। एंड देख रहे हो, स्वागत करते हैं आप सबका एक न्यू वीडियो में। भाई साहब आ चुके हैं घर से निकल के बाहर मेन रोड पे, मस्त अपना गाड़ी इधर लगा हुआ है, छोटा वाला भाई के हाथ में चाय, चाय अगर पीने के बाद हमें निकलना है पहले नदेसर मार्केट, वहाँ से खरीदेंगे फॉग लाइट, फॉग लाइट खरीदने के बाद हम पहुँचेंगे पहाड़िया मंडी। हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं, बड़े भाई भी हैं और ट्रांसपोर्टर भी हैं, तो उनसे जाके मुलाकात करना है। एक्चुअली वो आए आसनसोल से अपना गाड़ी को लेकर। तो चलिए फटाफट चाय करते हैं फिनिश और निकलते हैं। उसके पहले इस वीडियो को ऐसे कंटिन्यू भी कर रहे हैं, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड भाई बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम से पहुंच सके। एक तरह से लाइक भाई बनता है, ठीक है, लाइक करके आगे बढ़ना भाई। तो चलिए भाई अभी निकला जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है और भाई साहब भी हमारा वेट कर रहे हैं मंडी में। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल लेते क्या? नहीं नहीं। अच्छा खोल रहे हो, चलो धन्यवाद धन्यवाद ब्रदर। ऐसे ही भाई गेट खुला हुआ मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार भगवान का नाम हो जाए, नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना भाई। तो एक भाई का कमेंट भी आया था कि भाई फॉग तो खत्म हो चुका है, फॉग लाइट अभी गाड़ी में मत लगवाइए। तो भाई यही बात आपको बोलना चाहते हैं, मतलब आपको नहीं और बहुत भाई को भी सुनना चाहिए मेरी बात, कि देखिए फॉग खत्म हो गया ठीक है मानते हैं, लेकिन जब आप किसी जंगली एरिया में जाते हैं या पहाड़ी में चढ़ते हैं, तो आपको जब चारों लाइट जलता है गाड़ी का ना, तो आपको अंदर से और हिम्मत मिलता है, पूरा एकदम क्लियर दिखता है, ठीक है। और सामने से भी कोई आपको दिखेगा ना, लगेगा हाँ यार कोई बहुत बड़ा गाड़ी आ रही है, भड़कीला आ रही है, सामने से देखने में नहीं लगेगा कि पिकअप आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसी वजह से ये लाइट को इंस्टॉल करना काफी जरूरी था। सबसे बड़ा चीज भाई रात में नींद आता है, हाँ धुंधला नजर आने लगता है, नींद आने के बाद हल्का सा धुंधला नजर आता है, तो ये लाइट लगवा लेंगे ना तो अच्छे से क्लियर भी दिखेगा आपको। और सबसे बड़ा चीज है, हम जो बम्पर का अपना जो कंपनी का बम्पर है उसका सेट वाला लाइट लगवाने वाले इस बार, क्योंकि जो पहले मैंने लाइट इंस्टॉल किया हुआ था वो पत्ती के सहारे था, बार बार टूट जा रहा था, लेकिन वो लाइट काफी बेहतरीन था, लेकिन भाई सक्सेस नहीं हो पाया। आज जो लगाएंगे वो 101% सक्सेस है। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं नदेसर। पहले फाइनली पहुंच चुके हैं नदेसर मार्केट में। एक्चुअली सुबह का टाइम है तो मार्केट पूरा खाली खाली आपको दिख रहा होगा, ये चेक कर रहे हो भाई। तो छोटा वाला भाई लाइट अगर देख रहा है तो यहीं पे भाई लाइट लगवाना है मेन। तो ये जो गुफा बना हुआ है ना ये पूरा खत्म हो जाएगा और इसको भी निकलवा देंगे, ठीक है। कौन सा लाइट है भाई दिखाओ, ये वाला लाइट है, ये वाला, ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है, कौन सा फैंसी है, दिखेगा थोड़ी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दिखने के लिए चाहिए ना। हाँ हाँ, जो बेस्ट ट्यूब है ना ये देखिए, JBL का बेस्ट ट्यूब है। तो हम भी सोच रहे हैं कि अपने गाड़ी में लगवाने के लिए, आप लोगों का काफी दिन से कमेंट भी आ रहा था कि भाई साहब आपके गाड़ी में बेस्ट ट्यूब या फिर बाजा करा कब लगवाएंगे। तो एक्चुअली इसमें सीन क्या है ना कि भाई अपने गाड़ी में यहाँ पे ना जगह नहीं है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों से आप लोग कमेंट आ रहा था। और बाजा यहाँ पे लगेगा और जो उसके स्पीकर वगैरह सब कुछ पीछे लगेगा। तो छोटा लो भाई निकलवा रहा है, आ जाओ इधर लेके आ जाओ, देखिए कौन सा है भाई। तो भाई ये चेक कर रहे हो, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, ये देखो, ये एक्चुअली जब हम ऑटो चलाते थे ना तो अपने ऑटो में भी ये वाला लगा हुआ था, लेकिन इससे बड़ा वो JBL ओरिजिनल था और वो 12 इंची वाला था, उसमें जगह रहता है ऑटो के पीछे में ना। हमारे में तो 8 इंची लगेगा, 10 इंची, 8 इंची लगेगा भैया, 8 इंची का भी आता है कि नहीं है, है। तो वो छोटा वाला लेके आओ, दिखाओ भाई कैसा है, देखें तो ये तो बड़ा वाला है 10 इंची का है, 8 इंची वाला देखते हैं कैसा है। चलिए ये पुराना है लेकिन हम जब लेंगे तो भाई नया ही लेंगे, तो ये 8 इंची का है, ठीक है। ये देखो ये छोटा है, अच्छा एक बार ट्राई करके देखना लगता है कि नहीं, अंदर घुसो आराम से, बड़े पीछे का पूरा सीट निकल जाएगा, एक बार लेके चलो अंदर लेके चलो ना धीरे से, देखो आराम से बड़े, या फिर देखो इसके नीचे रखने का जगह है कि नहीं, इसके नीचे घुसेगा, तो इसको हटाओ, इसको यहाँ से खींच के पीछे देखो, घुसाओ, घुस रहा है देखो, तो 8 इंची का है, हम उधर से आ रहे हैं। तो कैसे घुसेगा बताओ, ये आगे नहीं आता, खुलना ही पड़ेगा इसको, ये सीट जो है ना ये खोल के हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, उसके बाद ये बैठेगा ना। अच्छा ढीला करके आगे हो जाएगा। हाँ वो ढीला करके हो जाएगा, अरे उसमें ना अलग अलग पेच लगता है, वो छेदा करके दूसरा पेच बन जाएगा। हाँ उसके बाद ये लग जाएगा। अगर भाई ये गाड़ी में लगवा लिया ना तो काफी बेहतरीन इसका बेस होता है ना भाई, मजा आने वाला है मजा। सिंगल वाला भी आ चुका है अपने पास में, देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो बगल में LED दिया हुआ था इसमें नहीं है, ये नॉर्मल वाला है, इसका तो भी जला के देखा जाए, रोशनी चाहिए मेन रोशनी के लिए। तो चलिए इसको भी जला के एक बार चेक करते हैं कैसा जलता है ये। तो फिलहाल भाई जला के भी चेक करवा रहे हैं कैसा जल रहा है, कैसा रोशनी, सही है, ठीक है, गर्म तो निकल रहा है,
गर्म निकलने से मतलब नहीं यार, एक बार इधर रात के लिए ठीक है भाई, ये दिन में इतना है तो रात में और कितना होगा सोचो। हाँ दिन में इतना है तो रात में कितना होगा सोचो, फाइल के पूरा आएगा ना। ठीक है चलिए ठीक है, ये वाला फिर कंफर्म करते हैं, डन करते हैं, इसको लेके निकलते हैं फटाफट। तो फाइनली भाई साहब ले लिया है और हो जाएगा कि नहीं 540 में? 600 पूरा कर दे। अच्छा चलिए ठीक है दे देते हैं। तो ये जो लाइट मैंने खरीदा है भैया 600 रुपये का दिए हैं, अब कोई नहीं होते रहता है 600-500 भाई खर्चा तो करना ही गाड़ी पे, तो चलिए पैसा देते हैं फिर निकलते हैं फटाफट पहाड़िया मंडी, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हम लोग को हो रहा है यार। चलिए काफी दिनों से सोच रहे थे एक फॉग लाइट लेना है, बंपर वाला, बंपर का सेट वाला, भाई आज भी नहीं लेता हमने भाई, लेना है चलो लगा लिया है। एक्चुअली देखो भाई पैसे की प्रॉब्लम है ना यार, गाड़ी देख रहे हो आप लोग, देखो गाड़ी चल ही नहीं रहा है, एक चक्कर मार गया है, उस चक्कर में तो आरटीओ ने पकड़ लिया था। और भाई एक कॉमेंट आप लोग का आ रहा है भाई आरटीओ वाले ने कितना पैसा लिया, तो सॉरी मेरे भाई, देखो भाई आरटीओ वाला पकड़ता है और ऐसा नहीं है कि फ्री में कभी छोड़ा है किसी को भी, ठीक है? तो कुछ ना कुछ अपना लगा है जो कि हम खोल के नहीं बता सकते हैं, कुछ ना कुछ प्राइवेसी जरूरी है भाई अपने लिए भी और सबके लिए भी। छोड़ दिया बड़ी बात है, छोड़ दिया बड़ी बात है, और वो बहुत बड़ी बात है छोड़ दिया। हाँ और पैसा तो लगा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगा, हम खुल के बोल रहे हैं पैसा लगा, लेकिन इतना नहीं बताएंगे। देखिए आप लोगों का भी गाड़ी पकड़ाता है तो आप लोगों का भी पैसा लगता है, हमें पता है सबका पैसा लगता है। तो चलिए कोई नहीं, सबका लगते रहता है, गाड़ी छूट गई, चलान नहीं हुआ, इतना ही अपने लिए काफी है भाई। पहुंच चुके हैं भाई पहाड़िया मंडी के अंदर, चलते हैं अपने बड़े भाई से मुलाकात करते हैं और आप लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं भाई। और ये देखो जेके 5 भाई साहब आ गए लग रहा है एप्पल लेके, ये देखो भाई। तो फाइनली पहुंच चुके हैं इधर अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई, देखो ये सब आसनसोल किंग है और अभी हमारे बड़े भाई उधर है, उनसे जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। तो कितने कितने का चालान कटा है तो अभी में? 46,000 और 26,000। 46,000 26,000 दो भी बॉर्डर पे 46,000-26,000 चालान भाई, इतना तगड़ा तगड़ा चालान होगा तो कहाँ कैसे जिएंगे हम लोग भाई साहब। तो फाइनली पहुंच चुके अपने बड़े भाई के पास में, तो इधर हमारे बड़े भाई कैसे हैं भैया? एक भैया उधर भी हैं, तो एक्चुअली भैया का ट्रांसपोर्ट का भी काम है और अपना भी गाड़ी अगर है तो अपना गाड़ी आज लेके चले आए हैं भैया, दोनों भैया साथ में ही चले आए हैं। क्या लोड कर, परवल लेकर आए थे? परवल लेकर के आए थे, अब यहाँ से अनार लेकर के जा रहे हैं। हाँ चलिए सही है, नहीं नहीं सही है भैया। तो भैया पहले ही पेप्सी कार खरीद के रख लिए थे, यही होना ही चाहिए, ये गाड़ी मालिक है बैठे बैठे कमा रहे। हाँ नहीं पहले निकल लो शांति, समय पे ड्राइवर ना मिले या फिर देखो भाई समय के हिसाब से हर एक चीज करना चाहिए, मेंटेन करके काम करना चाहिए। अंकल को भी व्यू दे दीजिए, अंकल जी है गद्दी के मालिक। अंकल जी पूछ रहे थे यूट्यूब में वीडियो बनाते हो तो हीरोइन कहाँ से लेके आते हो? तो हम बोले कि ये जो वीडियो बनाते हैं इसमें हीरोइन का जरूरत नहीं होता है, इसमें सिर्फ बोलना होता है। हेलो भाई पियो, तो चलिए बड़े भाई से मिलते हैं, कुछ देर बातें करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी आसनसोल का बहुत सारे गाड़ी भी आए और अपना भी भाड़ा अगर खोजना है, बातें करना है, उसके बाद फिर देखते हैं अगर मिलेगा तो मिलेगा, सही है नहीं तो फिर घर निकलेंगे भाई। इधर आ गया भाई आसनसोल किंग, क्या बोल रहे हो ब्रो, कैमरा पकड़ के बोलो क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, तो आप लोग कैसे हैं? तो हम लोग फिर भैया से वेट कर चुके हैं, हम लोग आए बनारस पहाड़िया मंडी, तो रोड किंग भी है देख लो अभी, तो कुछ बोलना चाहते हैं आप? हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे भाई से वेट करने के लिए, लेकिन आज तो भाई से तो भेंट हो ही गया है। ठीक है तो आसनसोल किंग यहाँ है, देखिए चलो भाई कैसे लग रहा है फिर से भेंट हो गया भैया से? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा तो भैया यहाँ खड़ा है। तो चलिए फिलहाल अभी इधर छोटा वाला भाई है और इधर ये सब, एक बार रैप दिखाना ब्रो कैसे ब्रो, आगे ले लो कल्टी लो मैं मुंबई में जाए बच्ची को चलो क्या बोला आप लोग अगर समझ में आया तो कमेंट करना, जाएंगे भगा के। तो ये सब अभी आया करेला लोड करके नाम खाना से ना, एकदम मस्त वाला भाई, आप लोगों को लुक तो पता चल ही गया होगा, पहला वीडियो वायरल हो गया था। ठीक है कितना लग गया भाई उसमें? 3.5 लाख। 3.5 लाख आदमी ने वीडियो को देखा है, 3.5 लाख पब्लिक ने प्यार दिखाया उस वीडियो को, वो जो लोड करके आया था करेला ना, 3.5 लाख देखा है, 3.5 लाख पब्लिक ने देखा, 3.5 लाख पब्लिक का प्यार मिला यार, तो काफी अच्छा बात है। इसके वजह से यार, ये बाप रे बाप सही बात है, इसके वजह से वो वीडियो वायरल हुआ था। तो चलिए हस्ती का वस्ती से मिल लिया मैंने और अभी निकलते हैं फिलहाल आगे। अभी फिलहाल भाई लोग चाय कर पीना है कुछ, चाय पानी नाश्ता पानी करवाते हैं। कर लिया चलो। हमारे सूरज भैया भी बैठे हुए हैं, सूरज भैया कैसे हैं आप?
ठीक है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है भाई। इनके छोटे भाई को आप लोगों ने देखा होगा बहुत पहले के वीडियो में, एक्चुअली उनका गाड़ी अगर खराब हो गया था तो हम लेके आए हुए थे। तो क्या है ना कि जो साथ के रहते हैं उनको तो भाई छोड़ नहीं सकते रास्ते में ना, कहीं पे भी हम ही का अगर फंस जाएंगे तो सूरज भी अपना साथ देंगे। और सूरज भैया के भाई हैं, हमारे भाई हैं, सूरज भी एक्चुअली बड़े भाई हैं, ठीक है, जो हमारे मुकेश भाई हैं उनके बड़े भाई सूरज भाई हैं। और इन लोगों का दो टाटा योद्धा न्यू चलता है भाई, वो भी बंगाल किंग। कैसे हैं बढ़िया सब? लोड नहीं हुआ भैया? नहीं लोड हुआ। अच्छा सुने थे आपका भी गाड़ी आरटीओ पकड़ा था? अरे भाई क्या करेंगे, रोड पे चलना है तो धराए पकड़ाएगा तो लगा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। सही बात है भाई। और आपके भाई का भी गाड़ी आपको पता है कि पकड़ा गया था, बस आप लोग को ये खोल के नहीं बता सकते कि भाई कितना पैसा लगा है। लगता है पैसा भाई, आरटीओ अगर गाड़ी पकड़ता है तो पैसा लगता है, अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो चलिए भैया से मिलवा दिया आपको। और अभी सूरज भैया हमारे यहाँ पे हैं और इनके भाई जो हैं अभी वेस्ट बंगाल में हैं, परसों का ही लोड कर गए थे। और इधर हमारे आ गए भैया जी यादव जी। कैसे हैं यादव जी, बढ़िया हैं भाई, आशीर्वाद है आप लोग। और कैसे हैं? ठीक है। और आप गाड़ी चला रहे उस पे क्या बोलते हैं, लगन में लाइव किचन कैटरिंग? हाँ बहुत बढ़िया। और भैया का रोज का कितना, 2000 मिलता है डेली का? 1700 डेली का है और 2 महीने के लिए भाई साहब फिक्स हो गया, सोचिए कितना रुपए कमा रहे हैं। और ना इनको आईटीओ का झंझट, ना डीजल का झंझट, ना खाने का झंझट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काजू बादाम पिस्ता खाओ, मस्त रहो। तो चलिए फिलहाल हम भी निकल रहे हैं कुछ काम से आगे, बताते हैं क्या काम से निकल रहे हैं भैया। तो फिलहाल भाई लोगों से मिल के निकल चुके हैं बाहर, बता दे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल हुआ है अभी फिलहाल, इधर बीच का आवाज बता रहे आपको। तो टाटा कंपनी से हमें मेल आया हुआ है, हमें जाना है एक गाड़ी का प्रमोशन करने के लिए टाटा कंपनी का। ये कौन सा गाड़ी है, क्या है, हर एक चीज आपको वीडियो में पता चलेगा। बस इतना ही आप लोग को बोलना चाहेंगे, ये सब जो अपने लाइफ में आज हो रहा है, इतनी बड़ी का, इतना बड़ा कंपनी का हमें प्रमोशन मिला है, तो ये आप लोगों के बदौलत हो पाया है। तो एक बार दिल से धन्यवाद आप सबका इतना प्यार देने के लिए, और इतना वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ आप लोग का अच्छा देखा, तभी टाटा कंपनी ने मुझे ये अचीवमेंट दिया है कि आप आइए मेरा वीडियो बना के अपलोड करिए अपने चैनल पे। तो ये बहुत कम यूट्यूबर को मिल पाता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को भी मिलता है, लेकिन हमारे ऐसा एक छोटे यूट्यूबर को मिला है तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत दिल से आप लोग का धन्यवाद। फिलहाल पहुँचे हैं टाटा कंपनी और वो वीडियो शूट करके अभी कंपनी को मेल भी करना है। तो भाई ये है अपना नमो घाट, यहाँ पर कभी अगर आएंगे तो आप यहाँ से जन्नत दिखाई देगा आपको। कभी सोचे नहीं थे काशी अपना ऐसा बन जाएगा, कभी सोचे थे भाई काशी अपना? नहीं सोचे थे ब्रोदर कि ऐसा काशी अपना बन जाएगा, लेकिन एक कहते हैं ना भगवान के घर में देर है ब्रो, अंधेर नहीं है, ठीक है, भले ही देर से हुआ लेकिन काफी अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो भाई साहब फाइनली टाटा कंपनी पहुंच चुके हैं, अभी एक्चुअली कौन सा गाड़ी का हम वीडियो बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मेरे इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है, तो कुछ दिन में आ जाएगा। पहले तो वीडियो बना के कंपनी को मेल करना है, फिर वहां से वेरीफाइड होगा, उसके बाद पता चलेगा। तो चलते हैं अंदर, मैनेजर साहब से पहले बातें करते हैं। कंपनी में आए हुए थे और जो गाड़ी का काम था, एक्चुअली वो गाड़ी का बातचीत हो चुका है, वो वाला जो जिस गाड़ी का हमें वीडियो बनाना था वो गाड़ी एक्चुअली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी ने बोला है कि आपको गाड़ी अवेलेबल अगर वाराणसी में नहीं हो पा रहा, किसी और सिटी में अवेलेबल हम करवाएंगे, उसका जाने आने का जो भी चार्ज आपका लगेगा, भाड़ा वगैरह और सब कुछ आपको मिलेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी अच्छा लगा। तो फिलहाल अभी निकल रहे हैं अपनी गाड़ी से, कहाँ चलेगा भाई? फॉग लाइट लगवाना है ना? फॉग लाइट, हाँ, जो फॉग लाइट मैंने खरीदा वो लगवाने के लिए चलना है। तो चलते हैं बाहर पहले। फाइनली पहुँच चुके अपने लोकेशन पे, गाड़ी को मैंने इधर साइड में लगा दिया है। अभी जो फॉग लाइट खरीदा है मैंने ना, वो रात को घर पे छोटा भाई लगाएगा, लगा लोगे ना? गमछा निकाल लो कम से कम, यहाँ पे चलो अब बंद कर दो। चलिए भाई अभी शाम का टाइम है और अपने काशी को लेके हम आ चुके हैं गंगा किनारे से, मतलब आप लोगों ने देखा गंगा किनारे पार किया था, ठीक है, मंदिर के बगल में। तो अपने काशी को लेके हम आ चुके हैं अपने कॉलोनी में। अभी इसका लाइटिंग का काम शुरू करना है, तो यहाँ पे ये जो लाइट लगाना है, छोटा वाला भाई बोला थोड़ा सा और रात हो जाएगा तो कंटिन्यू करेंगे इसको, हाँ मिलाने में आसानी होगा इसको। क्या है ना कि लगाने के बाद थोड़ा सा मिलाना पड़ता है, इधर उधर भागता है ना, नीचे का लाइट है ना इसीलिए। तो चलिए कासे का काम थोड़ा देर बाद चालू करते हैं, थोड़ा चलते हैं घर पे चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद नाइट में इसका काम चालू होगा भाई। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भाई काशी एक्सप्रेस कब आप लिखवाने वाले, तो भाई बहुत जल्द लिखवाने वाले हैं। कहाँ था कौन था? तो एक्चुअली देखिए सीन क्या है ना कि काशी एक्सप्रेस जल्द। हाय, आशीष, और आप लोगों का क्या नाम है? जलीसा। आपका क्या नाम है? देविका। चलो बहुत क्यूट बच्चे हैं अपने कॉलोनी में। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं और काशी एक्सप्रेस जल्द लिखवाने वाले मेरे भाई, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद करने से कुछ भी फायदा नहीं है।
जल्द से जल्द जितना जल्दी अपना काम ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा अपने लिए। आज टाइम हो चुका भाई रात का 10, खाना पीना जस्ट अभी अपना हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गाड़ी में लाइट को फिट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है सोना अगर अभी है भाई, खाना खाने के बाद जानते हैं आप सब तैयार कर रहे थे अच्छे से एडजस्ट होगा लाइट, लेकिन कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। खाना अगर बन रहा था हम लोग सोच फिर खाना खाने के बाद ही फिर काम किया जाएगा आराम से। और देख रहे हो पूरा पूरा खाली खाली। ये वाला लाइट तो भाई पहले ही खोल लिया था क्योंकि टूट गया था, तो अभी फिलहाल इस वाले लाइट को छोटा वाला भाई खोल रहा है, इसको खोलेंगे, उसके बाद फिर जो न्यू वाला मैंने खरीदा है उसको यहाँ पे फिट करना है। एक्चुअली इसमें वायरिंग अगर करना भी नहीं है क्योंकि पहले से ही अपना वायरिंग का टेंशन की बात है नहीं। ये है भाई अपना न्यू वाला फॉग लाइट, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है ना। तो चलिए पहले इसको लगवाते हैं भाई से, अब देखते हैं उसके बाद कैसा लगता है लुक भाई। फाइनली ये वाला लाइट हो चुका है फिट, छोटा वाला भाई पीछे से कस रहा है अच्छे से। ये देखो भाई फाइनली भाई एक लाइट लग के कंप्लीट हो चुका है, एक बार जलाना एक ठो तो ये चेक करो भाई। ये देखो भाई ये एक कंप्लीट हो चुका है, एक अभी और लगेगा, दोनों जला के आप लोगों को दिखाएंगे। बंद करना फिर जलाना, ये भाई जबरदस्त लग। फाइनली भाई दोनों ही लाइट लग के कंप्लीट हो चुका है, एक बार जलाना भाई, ये चेक करो भाई एक बार मेन जलाना। हाँ अब भाई सही लग रहा है, ये देखो बंद कर दो। तो कैसा लग रहा है मेरे भाई न्यू लाइट, आप लोग कमेंट करके बताना। एंड देख रहे हो कितना नीचे का है, ये देखो इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए। एंड जाओ यार बंद करो, सबका गेट बंद करो। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन भाई साहब ये लगने के बाद ना काफ़ी बेहतरीन लग रहा है गाड़ी यार, हम अभी ये सोच रहे हैं कि पहले क्यों नहीं इसको लगवाया, ठीक है। तो चलो फिलहाल कुछ देरी से ही लगा लेकिन अच्छा लगा। चलो इंडिकेटर करा बंद करो सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में।